नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। कहते हैं कि अगर हम कोशिश करें तो हमें जिंदगी में सफलता जरूर मिलती है, लेकिन अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो वो सफलता किस तरह से हमारे हाथ आएगी। तो आप जिंदगी में कोशिश करना कभी मत छोड़िए, एक ना एक दिन सफलता जरूर आपके पास आएगी। और अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो सफलता भी आपके पास कभी नहीं आएगी। तो दर्शकों, अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन को सफल बनाने के लिए और आपके जीवन के तमाम दुखों को दूर करने के लिए स्वत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रकाश जोशी जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर हम गुरु जी का स्वागत करेंगे। गुरु जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जय माता दी बेटा। ओम नीलांजनम समावासम रविपुत्रम यमाग्रजा छाया मर्तं संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। जय माता दी भक्तो। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। और दर्शकों, आज हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में। जी गुरु जी, आपसे जानना चाहूंगे। देखिए, आज हम जानते हैं 12 राशियों का राशिफल। पहले मेष की बात कर लेते हैं। मेष राशि का आज जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इनको रहेगी, मानसिक विकार आज के दिन रहने वाला है और ऑफिस में भी थोड़ी सी टेंशन मेष राशि वालों को दिख रही है। वृषभ राशि वालों का आज जो है परिवार से दूर जाने के योग है, धन धान्य के लिए अच्छा समय चल रहा है। साथ ही साथ अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो अभी का समय अति उत्तम है। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि को दूर की लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन आपने करनी नहीं है। मिथुन राशि वालों, अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की और कहीं ना कहीं नेगेटिव योग बन रहे हैं। आज के दिन धन निवेश से भी आपको बचना है। कर्क राशि की बात करें तो आज का दिन आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा, साथ ही साथ कोई ना कोई परिवार से रिलेटेड कोई शुभ सूचना आज के दिन आपको मिलने वाली है। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो आज के दिन अगर देखा जाए तो ऑफिस में थोड़ा सा माहौल आपके विपरीत चलने वाला है ऑफिस में। दूसरी चीज ये कि आज के दिन कोई वाद विवाद या मतभेद हो जाता है तो मित्रों आपको बिल्कुल शांत रहना, नहीं तो ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। कन्या राशि की बात करें तो आज के दिन कहीं ना कहीं माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहने वाले हैं, प्लस माता पिता से छोटे बातों में कोई विवाद आज के दिन सामने आता हुआ नजर आ रहा है। आपको वो विवाद को शांत रखना है, वो विवाद पे पड़ना नहीं है, याद रखिएगा, नहीं तो ये विवाद ज्यादा बढ़ सकता है। तुला राशि की बात करें तो आज दो वाहन खरीदने का अच्छा दिन आ रहा है। साथ ही साथ यदि आप पैसा कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, सोना चांदी इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है और लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों की अगर आज देखा जाए तो आज पहला चीज तो स्वास्थ्य से संबंधित आज आपके कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाने के एक तो योग बन रहे हैं, प्लस उसके साथ में आज के दिन वाहन खरीदने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आज के दिन पेट पे आपको ध्यान देना है। वृश्चिक राशि वालों को आज पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। धनु राशि की बात करें तो धन के लिए बहुत अच्छा योग नजर आ रहा है और काफी लंबे समय से जो काम आपके टल गए हैं, जो काम नहीं हुए हैं, वो आज के दिन बनने वाले हैं। मकर राशि की अगर आज बात करें तो आज के दिन स्थान परिवर्तन के या प्रॉपर्टी के योग आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन में पहले आपको थोड़ा तनाव होगा, उसके बाद ये स्थान परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की अगर बात करें तो एक तो भूमि के योग आज के दिन बन रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों को ये याद रखना है कि साउथ और पश्चिम मुखी भूमि नहीं लेनी है आज के दिन, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। मीन राशि की आज के दिन बात करें तो मीन राशि वाले संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना या संतान से संबंधित कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपके घर में आज के दिन संपन्न होने वाला है। जी, तो 12 राशियों के जातक का आज का दिन किस तरह का होगा आपको गुरुजी ने बताया, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और किन बातों को आप शुभ या अशुभ रूप से देख सकते हैं, इसके बारे में भी आपको गुरुजी ने बताया। तो बिल्कुल दर्शकों, अपनी राशि के हिसाब से आपको आज क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। चलिए, कार्यक्रम में हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहते हैं, गुरुजी से बात करने के लिए उनसे बात करेंगे। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताएं अपना। संजय।
जी जन्मतिथि बताएं अपनी। 22 अगस्त 1967। जी समय 10:25 रात को। जी और जन्म स्थान? जयपुर जिला। जी क्या जानना चाहते हैं संजय जी बताइए। एक तो बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ, हेल्थ के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए कुंडली के अनुसार जो आपने बताया है उसके अनुसार आपका मेष लगन की कुंडली है, राशि आपकी मीन राशि बन रही है। कुंडली के अनुसार देखा जाए तो आपकी दशा शुक्र की महा दशा 2008 से 2028 तक चल रही है। पहले मुझे शुक्र देखना पड़ेगा आपका शुक्र कैसा है। शुक्र कुंडली के अंदर वक्री बैठा हुआ है, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। देखिए शुक्र आपकी कुंडली में वक्री है, 2008 से 2028 तक की दशा कहीं ना कहीं व्यापार के लिए, क्योंकि धन वृद्धि के स्वामी है, संतान से संबंधित स्वामी है, तो कहीं ना कहीं धन के लिए खराब रहेगी, संतान संबंधित चीजों के लिए खराब रहेगी। इसके लिए आपको एक बीज मंत्र का जाप करना है, ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र का जाप आप करें। साथ ही साथ शुक्र को अच्छा करने के लिए आप एक त्रयोदशी डायमंड कम से कम 50 से लेकर 70 सेंट का मध्यमा उंगली में अष्ट धातु में धारण करें संजय जी, ताकि आपकी ये दशा सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि ये दशा आपको डाउनफॉल की ओर ले जा सकती है। जी तो अपने स्वास्थ्य को लेकर व्यापार को लेकर चिंतित हैं, गुरु जी ने आपको बताया कि क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में है आपको निजात जरूर मिलेगा। दर्शकों लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल नहीं लग पाया है, बात नहीं कर पाए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और कार्यक्रम में दर्शक लगातार गुरुजी से बात करने का इंतजार करते हैं ताकि वो गुरुजी से बात कर सके, अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताएं आपका। विपुल जी, जन्म तिथि बताएं अपनी। 22 जनवरी 1967। जी समय? 1:05 सुबह। 3:05 सुबह। हाँ जी। जी और जन्म स्थान बताएं? भावनगर। जी जामनगर। भावनगर BHAV। जी जी जी, दोबारा मैं डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ, 22 जनवरी 1967, 3:05 भावनगर गुजरात। हाँ जी। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं महाराज? सर मेरी करियर में तकलीफ हो रही है, मेरे हिसाब से सब पैसा कमाते और मैं नहीं कमाता हूँ, और मैं दक्षिण के घर में रहता हूँ। अच्छा जी, फ्लैट में। आप दक्षिण मुखी घर में रहते हैं? हाँ जी, मेन डोर मेरा दक्षिण में खुलता है। हाँ वही कह रहा हूँ, आपकी कुंडली में तो आपका कर्क राशि का बृहस्पति, आप जानते ही होंगे नवम भाव में आपके बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं, और आपका जो लगन है वो भी, आपको कोशिश करें कि कुंडली के अनुसार पूर्व या पश्चिम, पूर्व या उत्तर मुखी घर में रहोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपकी कुंडली के अनुसार। जी, क्योंकि आप देव श्रेणी वाले व्यक्ति हो, देव श्रेणी वाले वो व्यक्ति हैं जो पूर्व और उत्तर दिशा में रहेंगे तो अच्छी ग्रोथ करेंगे, धन धान्य अच्छा होगा, व्यापार करें, नौकरी करें उच्च पद पदवी तक, और मान प्रतिष्ठा उनको प्राप्त होती है। अब इसका उल्टा क्या है कि आपके दक्षिण मुखी घर है तो थोड़ा बादर तो हो ही गया है महाराज। जी जी, सबसे अच्छा तो इसको चेंज करना ही नजर आता है। नहीं कर सकते सर। हाँ जी, फ्लैट में तो कोई मैं फेरफार नहीं कर सकता, फ्लैट में रहता हूं। सही बात है, सही बात है, फ्लैट में तो नहीं कर सकते कुछ। आपको रेमेडी में बताता हूँ, जो कि क्या होता है ना, वास्तु की कुछ रेमेडियां होती हैं, सुन रहे मेरी बात? आजी, आजी, तो उनको आप कर लो, उससे क्या होता है 3 दिन में असर दिख जाता है, अगर दिख जाए तो करते रहना, नहीं तो मत करना। पहली चीज, आपका जहां पर गेट है वहां पर आप डली वाला नमक किसी कटोरी के अंदर, डली वाला नमक जिसे चट्टानी नमक, लाहौरी नमक, अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसको किसी कटोरी में रख के आपको जो है जहां आपका गेट है दक्षिण मुखी उसके अगल बगल कहीं रख देना है, पहला चीज ये उपाय करना है आपको। दूसरा, ऐसा ही वो जो चट्टानी नमक है वो किसी कटोरी में लेके तीन कटोरियां रख लीजिए आप, तीन कटोरी के अंदर रखना, उसी में चट्टानी नमक डाल के आपको अपने टॉयलेट के अंदर रख देना, जो मेन टॉयलेट है, वैसे तो घर में दो भी होते हैं तीन भी होते हैं, जो मुख्य टॉयलेट है जिसको आप यूज करते हैं उस टॉयलेट के अंदर रख दीजिएगा। तीसरा, आप तीसरी कटोरी में भी चट्टानी नमक डाल के और उसको आप अपने जहां बेडरूम जिसमें आप सोते हैं वहां पर रख दीजिए। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो कहा जाता है कि वास्तु की जो रेमेडियां होती है 3 दिन से लेकर 5 दिन के अंदर असर दिखाने लग जाती है। अगर आपको असर आ जाता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
सर जी वो नमक सिंधवा नमक आता है वही ना, वो चट्टानी वाला जो चट्टान से आता है, लाहौरी नमक जिसे कहते हैं। जी 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 ओके, वो वाला नमक ले लेना, ठीक है जी। जय माता दी जी। तो कार्य नहीं बन पा रहे हैं, गुरु जी ने आपको बताया क्या कारण है, इसके साथ ही आपको बताया कि आप उपाय भी कर सकते हैं, उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं कि बनते कार्यों में जो भी समस्या आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, आपके कार्य जरूर बनेंगे। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए दर्शक बने हुए हैं, बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अशोक माथी जी। जन्मतिथि बताएं अपनी। 15/5/1971। हाँ जी जी, समय बताएं। समय 2:30 AM 2:30 सुबह का। हाँ जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान फिरोजपुर। हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं बताइए। कारोबार के बारे, काम काम नहीं अच्छा चल रहा जी। देखो आपकी कुंडली जो है महाराज, आपकी कुंडली जो बन रही है वो कुंभ लगन की कुंडली है। राशि जो आपकी बन रही है धनु राशि है महाराज। क्या नाम बताया आपने अपना? अशोक कुमार जी। अशोक कुमार। हाँ जी। देखो आपकी गुरु की मां दशा चल रही है, 2018 से 2034 तक गुरु चलेगा आपका, और गुरु आपकी कुंडली के अनुसार 9 डिग्री का बैठा हुआ है, यानी कि कमजोर बैठा है, इसलिए आपका काम नहीं चल पा रहा है। गुरु आपके धन भाव का स्वामी है, आपके लाभ भाव का स्वामी है, और वो व्यापार भाव यानी कि व्यापार या नौकरी का भाव हम दशम भाव से देखते हैं, वो कर्म भाव में बैठा है। और क्योंकि डिग्री में कमजोर है तो वो उसकी जो दशा होती है वो इतना इफेक्टफुल नहीं हो पा रही है। जैसा आप देखेंगे कि 2018 से जब से ये दशा आई है तब से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। कारण क्या है कि गुरु वीक है, इसके लिए एक तो बीज मंत्र होता है गुरु का, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र का जाप डेली 108 बार करें, और बृहस्पतिवार को नॉनवेज इत्यादि खाते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें, मांसाहार भोजन बिल्कुल छोड़ दें। तीसरी चीज है पुखराज पहने, 8 से लेकर 12 रत्ती का पुखराज अष्ट धातु में आपको धारण करना है। धातु में सर जी? हाँ जी। कौन सा धातु में? अष्ट धातु, एक तो होता है सोना चांदी में लोग धारण कर लेते हैं, एक होता है अष्ट धातु, तो अष्ट धातु में धारण करना है। अष्ट धातु या मिक्स धातु? हाँ मिक्स धातु कह सकते हैं, 8 प्रकार की धातुओं से मिश्रित जो धातु बनती है उसको हम अष्ट धातु कहते हैं। मिक्स करना है? हाँ पहनना है इसे। हाँ जी उसको पहन लीजिएगा। कितने के रत्ती का? ये मैंने बताया ना 8 से 12 रत्ती का पहनना है, जो आपकी फाइनल। देखो 12 रत्ती का लोगे महंगा पड़ेगा महाराज, कहीं भी सस्ता नहीं पड़ेगा। कारण क्या है, जितना रत्न को आप भारी लोगे उतना वो महंगा होता जाएगा, और 8 रत्ती का लोगे तो वो नॉर्मल प्राइस में मिलता है। तो जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है उसी हिसाब से। हाँ जी पुखराज पहनना ना। हाँ जी पुखराज, पुखराज ठीक है सर जी। जय माता दी जी। तो जो समस्याएं, जो परेशानियां आपके जीवन में लगातार आ रही हैं, उनको अगर आप दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा करेंगे 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर में जन्मे जातक जातिकाओं के बारे में, ज्योतिष विद्या की कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए 23 अक्टूबर से लेकर और 21 नवंबर में जन्मे जातक जातिकाएं हैं कि बुद्धि की बात करें तो तेज बुद्धि होती है, एजुकेशन में बहुत स्ट्रांग होते हैं, बचपन से ही मेडल अवार्ड लेने वाले ऐसे जातक होते हैं, अपनी धुन के पक्के ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो कार्य इन्होंने सोच लिया उसको करके ही रहेंगे चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में, और कार्यक्रम के माध्यम से आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जाता है, आपको बताया जाता है कि जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, उससे किस तरह से आप बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन की परेशानी को दूर कर एक अच्छा और एक खूबसूरत जीवन जी सकते हैं। चलिए कार्यक्रम में दर्शक साथ बने हुए हैं, दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताइए अपना। जी धीरज जी। जन्म तिथि बताइए अपनी। जी 16 जुलाई 1981। 16 जुलाई 1981 जी। समय बताइए जी। दिन में 12:04 12:04 दिन का, और जन्म स्थान पी एम मतलब दिन का है, और ये दिल्ली।
3:30 बजे? नहीं नहीं 12:04 दिन का है जी। और जन्म स्थान क्या बताया आपने? दिल्ली। दिल्ली दिल्ली जी। बताएं क्या जानना चाहते हैं कैरियर के बारे में जी? जी देखो आपकी कुंडली जो है ना कन्या लगन की कुंडली है, राशि आपकी धनु चल रही है और धनु पे इस वक्त 7:30 चल रही है। 7:30 की वजह से धनु राशि वाले चल रहे हैं परेशान, क्योंकि 7:30 कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, धन के लिए ठीक नहीं चल रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि एक तो शनि का मंत्र का जाप करना है सारे धनु राशि वालों को, ओम सम शनिश्चराय नमः, एक तो ये मंत्र का जाप करना है। 17 शनिवार को खीर बना के गरीबों को आप बांटें तो इससे आपकी 7:30 का जो प्रभाव है वो कम होता हुआ नजर आ जाएगा। तीसरी चीज कुंडली की, हाँ कुंडली के अनुसार एक 7:30 कवच आता है, आप अनुसंधान केंद्र के नंबर मेरे 2 टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप संपर्क कर लीजिएगा और 7:30 कवच आप मंगा के उसको जल्दी से जल्दी धारण कीजिएगा ताकि आपका अनर्थ या किसी तरह की हानि ना हो जी। तो 7:30 आपके ऊपर चढ़ी, उसके लिए गुरुजी ने आपको बताया कि क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी जीवन में है उससे आपको निजात जरूर मिलेगा। दर्शकों अगर आप भी अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अच्छे बुरे के बारे में जानना चाहते हैं, आपको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, परेशानियाँ जो आ रही हैं उनको किस तरह से दूर करना है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तमाम समस्याओं का समाधान हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में हमारे दर्शक गुरुजी से बात करने का इंतजार करते हैं ताकि वो भी अपनी समस्याओं का समाधान गुरुजी से ले सकें। तो चलिए हम अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो नमस्कार गुरुजी। जय माता दी। मैं मनोज बोल रहा था, मुझे बेटे के बारे में पता करना था जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ नाम है जय। डेट ऑफ बर्थ 28/6/1996। 28/6/1996। टाइम बताइए। 2:22 PM मुजफ्फरनगर। अच्छा जी, क्या जानना चाहते हैं बच्चे के बारे में? मैं इसकी पढ़ाई के बारे में जानना चाह रहा था कि पढ़ाई वढ़ाई कैसी रहेगी इसकी, ये बीटेक कर रहा था, इसका फाइनल था। जी 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 मैं देख लेता हूँ। देखिए कुंडली के अनुसार इनकी तुला लगन की कुंडली है, राशि इनकी वृश्चिक चल रही है, इस पे अभी 2.5 साल तो थोड़ा सा 7:30 का प्रभाव है, ये 2.5 साल में थोड़ा सा बच्चे को ज्यादा ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पे। इनका तो सर वृश्चिक लगन है। हाँ जी वृश्चिक लगन है इनका। तो नाम नाम दोबारा बताइए। डेट ऑफ बर्थ 28/6/1996। हाँ ठीक है। टाइम बताइए। सॉरी 28/7/1996। हाँ वही आपने गलत बताया ना महाराज। हाँ जी हाँ जी गलत बताया। हाँ देखिए कुंडली, हाँ इनकी इनकी कुंडली में जो राशि जो इनका लगन है वो वृश्चिक लगन है, राशि इनकी धनु आ रही है और अभी धनु राशि में थोड़ी 7:30 तो चली रही है महाराज। ठीक है जी 7:30 चल रही है, थोड़ा सा 7:30 का बच्चे का उपाय कराएंगे, बाकी कुंडली तो अच्छी है इसकी। हाँ उपाय करा लेंगे बता दो। हाँ उपाय क्या कराना है कि 17 शनिवार को खीर आप घर में बनाइए और बच्चे के हाथ से गरीबों में वितरित करवाइए, एक तो ये उपाय करा देना। खीर ना? हाँ जी हाँ जी खीर। ठीक है जी बस ये करा देना। ठीक है जी ठीक है। वैसे सही रहेगा सर? हाँ वैसे काफी अच्छी कुंडली है, गुरु गुरु और चंद्रमा धन भाव में, गुरु चंडाल मतलब गज केसरी योग बना रहे हैं, साथ ही साथ इनकी कुंडली में शुक्र जो है मालव्य योग बना रहा है, बुधादित्य योग कुंडली में बन रहा है, तो बच्चा एजुकेशन में काफी अच्छा रहेगा और अच्छा अच्छा धन धान्य इसके पास रहने वाला है। ठीक है जी जी। तो बच्चे के करियर को लेकर चिंतित हैं, चिंतित मत होइए, गुरुजी ने बोला कि अभी जो समय चल रहा है उसमें थोड़ी सी परेशानियां हैं लेकिन उसके लिए भी आपको उपाय बताए हैं, आप उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं बच्चे का आने वाला कल जो है वो बेहद ही खूबसूरत होगा। चलिए कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करेंगे। हेलो हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम संजीत कुमार प्रजापति है जी। जन्मतिथि बताएं अपने। 9 मई 1981। 9 मई 1981 समय बताइए। जिला जौनपुर। समय बताइए समय। 12 से 12:30 के बीच में, शनिवार के दिन 12 बजे से 12:30 के बीच में। हाँ जी, में। जी और जन्म स्थान? जौनपुर उत्तर प्रदेश जी। क्या जानना चाहते हैं गुरुजी से? गुरुजी संजीत हेलो, हम जानना चाहते हैं कि हम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। देखो कुंडली के अनुसार संजीव जी मैं ये बोलूंगा कि आपकी कुंडली में केतु की दशा चल रही है,
2015 से 2022 तक आपकी केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा बहुत बढ़िया नहीं है, धन के लिए अच्छी नहीं है, परिवार भाव के लिए अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, इस दशा, ये दशा जैसे ही निकल जाएगी 2022 में, 2022 के बाद आपकी शुक्र की महादशा आएगी और शुक्र की महादशा 2022 से 2042 तक आएगी, वो बहुत बढ़िया है। तो अभी तो दशा बहुत बढ़िया नहीं है, इसमें बस उपाय कर ले और एक तो केतु का बीज मंत्र कर ले, ओम केम केतु नमः, और एक लहसुनिया रत्न आता है वो छोटी उंगली में पहना जाता है, 8.25 रत्ति का लहसुनिया रत्न अष्ट धातु में, उसको पहन ले, क्योंकि बहुत बार केतु हमें रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम दे देता है, फ्रैक्चर की प्रॉब्लम दे देता है, एक्सीडेंट करा देता है, तो ये चीजें ना हो, केतु के अंदर ये अधिकतर होता है, तो उसके लिए लहसुनिया जरूर पहनना चाहिए व्यक्ति को। तो आपको बताया गुरु जी ने कि प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं वो भी बताया, इसके साथ ही लहसुनिया रत्न आपको धारण करना है ताकि जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां है वो ना हो, जो भी परेशानी आ सकती है उसका समाधान हो जाए। चलिए दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट आपके जीवन में है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। और कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं गुरुजी से बात करने के लिए, गुरुजी से अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो चलिए हम अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो, हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताइए अपना। रविंदर पाल सिंह जी, जन्म तिथि बताइए अपने। 1972 जी, समय बताइए। 6:52 शाम का, दिल्ली, जन्म स्थान दिल्ली जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं गुरु जी से। मुझे विदेश की सेटलमेंट चाहिए और विदेश में बिजनेस है तो एक्सपोर्ट का, लेकिन सेटल नहीं हो पा रहा पूरा, वहाँ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा जी। अच्छा, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, बस सेटल नहीं हो पा रहे आप। हाँ जी, और वहाँ रुक नहीं पा रहे किसी तरह, या अपना घर वगैरह नहीं बन पा रहा, 20-22 साल हो गए ट्राई करते हुए, कंपनी भी 20 साल से हो गई है। हाँ जी, ट्रेवल तो करती है उस देश में कनाडा में, लेकिन सेटल नहीं हो पा रहे किसी देश में। अच्छा अच्छा, तो टूर ही लगते रहते हैं बट सेटलमेंट नहीं हो पाते। अच्छा अच्छा, टूर लगते रहते हैं। देखिए, मंगल की आपकी महादशा अभी चल रही है, मंगल की महादशा आपकी 2022 तक चलेगी, उसके बाद आपका राहु चलेगा, तो आपकी जो कुंडली के अनुसार जो दशा है ना सेटलमेंट की महाराज, वो 2022 के बाद है। अभी आपकी कुंडली के अंदर सेटलमेंट की प्रॉपर दशा नहीं है। अच्छा, हाँ, उसके लिए थोड़ी सी आप थोड़ी, मैं आपको यही कहूंगा कि 2022 के बाद आपका योग बन रहा है प्रॉपर सेटलमेंट का, ठीक है जी। और उसके लिए आप एक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम राम राहु नमः, ये मंत्र का आप जाप करें और 2022 का वेट करें। ओके, ठीक है महाराज। मकान की सेटलमेंट बन जाएगी क्या फिर उसके बाद? हाँ, मकान की सेटलमेंट उसी के साथ साथ बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो आने वाली दशा है वो आपकी और अच्छी है, ये भी दशा ठीक है, आने वाली दशा भी अच्छी है। बाकी कोई स्टोन पहनना चाहते हो तो आपकी कुंडली में एक है राजयोग वाला स्टोन, वो है, आप पन्ना जरूर पहन के रखें, पन्ना। हाँ, पन्ना आप 8.25 रत्ती का छोटी उंगली में पहन के रखो, ये आपको आपके एफर्ट को थोड़ा इजीली कर देगा, तो ये थोड़ा पहन के रखना चाहिए, बाकी तो ठीक है आपकी कुंडली। अच्छा जी, वैसे कुंडली के हिसाब से ठीक है गुरु जी, या कोई मेन खास उपाय या कैसे कुछ करना हो तो आप बता दीजिए। वो तो 2022 में जब आपकी दशा आएगी तब, अभी तो आप पन्ना पहन लो। अच्छा गुरु जी, उससे पहले मतलब कुछ मेन उपाय नहीं करना, या आपकी तरफ से कुछ और कोई भेजना हो पन्ना वगैरह आपसे लेना हो तो कुछ अवेलेबल हो जाएगा? वो पन्ना मैंने आपको बताया ना, पन्ना पहनिए पन्ना। ठीक है गुरुजी, आपके अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पे? आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं उस पर लिख लीजिएगा कि मेरी आपसे बात हो गई, तो एक बार हम बात करते हैं दोबारा, ठीक है। जय माता जी। तो विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, लगातार टूर भी लगते हैं लेकिन विदेश में पूरी तरह से नहीं रह पा रहे, तो गुरुजी ने आपको बताया कि क्या कारण है और कब तक आप जा सकते हैं, तब तक के लिए आपको पन्ना रत्न धारण करना है, धारण कीजिए रत्न को और फिर देखिए कि जो भी आपकी मन की इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। दर्शकों, अगर आप और भी बहुत सारे टिप्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लगातार आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता चलता रहे, छोटी छोटी चीजें जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई होती हैं उसके बारे में अगर आप बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो आज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप उसके माध्यम से भी गुरुजी से जुड़ सके, उनका सानिध्य प्राप्त कर सके। तो आपको रत्न धारण करने हैं, कौन से रत्न धारण करने हैं, कैसे धारण करने हैं आपको गुरुजी ने बताया, आप
कि जीवन में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, अगर आप भी चाहते हैं आपकी तमाम समस्याओं, तमाम परेशानियों का समाधान आपको मिले, जो भी कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं उनसे आप निजात पा सके, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कार्यक्रम के दौरान हमें बहुत सारे कॉल आते हैं, इसलिए हम सभी दर्शकों जो लगातार हमें कॉल करते हैं उनके कॉल्स नहीं ले पाते हैं, तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आप तक पहुँचाते हैं, ईमेल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोआज को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जीवन से जुड़ी जो छोटी छोटी बातें कई बार होती हैं कि नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें किस तरह से होती हैं, घर को किस तरह से बनाना चाहिए, हमारी कुंडली किस तरह से होती है, भाव किस तरह से होते हैं, राशि किस तरह से होती है, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोआज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जीवन की तमाम जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, तमाम जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। तो गुरु जी आप स्टूडियो में आए, दर्शकों की तमाम तरह की समस्याओं का समाधान किया, बहुत धन्यवाद। जय माता दी। बेटा जय माता दी। भक्तों, तो बिल्कुल दर्शकों हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी।